अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं वफ़ा हैंडवर्क चैनल। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को मैं स्लीव्स पे बनाऊंगी। इसके लिए हम सिल्क का धागा लेंगे। सिल्क के धागे में हमने इस तरह से गोल्डन बीट्स डाल रखी हैं। इस धागे के मैंने 5 लेयर करके बना लिए हैं। मैंने एक लाइन बेस लाइन की बना ली है। यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर हम 1-2 चैन ले लेंगे। 2 चैन लेके अपने कपड़े को ऐसे पलट देंगे। ये हमारे कपड़े का सीधा साइड है। हमने बेस लाइन को बनाना सीधे साइड से शुरू किया था। अब हम पलट देंगे अपने कपड़े को ऐसे। अब हम बीट्स लगाएंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह बीट से लगा लेंगे। फिर 1 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए बीट से लगाएंगे। बीट्स के साथ हम 1 चेन डबल क्रोशिया एक लाइन और बना लेंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस तरह हम एक लाइन बना लेंगे। बीट्स के साथ हमने इस दूसरी लाइन को बना लिया। यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर हम 1-2 चैन ले लेंगे। 2 चैन लेके हम कपड़े के सीधे तरफ पलट देंगे। फिर हम इस साइड से बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। फिर 1 चैन लेके फिर इस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक लाइन को हम 1 चेन डबल क्रोशिया बना लेंगे बिना बीट्स के। इस तरह हम बनाते जाएंगे। तीसरी लाइन को हमने इस तरह से पूरा कर लिया। यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। वन चेन लेके हम फिर से पलट देंगे उल्टे साइड की तरफ। हम अब हम इसमें पहले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इस गैप को छोड़ देंगे, दूसरे गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बीट से को लगाएंगे इस तरह, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक बीट से लगाएंगे। इस तरह हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार हम बना लेंगे इस तरह से। अब हम इस वाले गैप को छोड़ देंगे, दूसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इस गैप को छोड़ेंगे, दूसरे गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह बनाने के बाद इस गैप को छोड़ते हुए दूसरे गैप में अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर इस गैप को छोड़ते हुए दूसरे गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 2, 3, 4,
मैं थोड़ा सा और बना के आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। रेड वाली बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन आएगी उसको प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई, जो कि बहुत ही प्यारी दिखती है। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।